वजह से नवाम दे खास तौर पर गरीब दिसनी सी जी अमीर दी अमीर तो अमीर जो हो उन्होंने तो आप जुत्तों का ही तो हल करा सकते हैं लेकिन गरीब बेचारा रुलदा वदा हो गए तो हम गरीबों के साथ हैं हम गरीबों के साथ ही रहेंगे कामयाब। चार फुट लेकिन हौसला पहाड़ जैसा है। मेरे साथ मोहम्मद वारिस मौजूद हैं। मोहम्मद वारिस जो हैं वो NA 109 के उम्मीदवार हैं और ये एक इलेक्शन की कंपेन कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो मुंतखब होकर अवाम के बेहतर तरीके से मसाइल हल करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद वारिस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद वारिस आप मुझे बताएँ क्या सोचा आपने कि आप जो है वो क्या अवाम के बेहतर तरीके से मसाइल हल कर पाएंगे, इलेक्शन में उतरें? जी इंशाल्लाह हल हो जैसे नवाम दे खास तौर पर गरीब दी सुनी सी जी अमीर दी अमीर तो अमीर जो हो उन्होंने तो आप जुत्तों का ही तो हल करा सकते हैं लेकिन गरीब बेचारा रुलदा वदा जी किसी ले किसी दफ्तर दे किसी ले किसी दफ्तर पैसे ला लेते काम कोई नहीं कर दे। अच्छा, आप समझते हैं कि आप आवाम के बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे मसाइल? ये हमारे साथ पहले उम्मीदवार हैं जो कि जो हैं वो डिसेबल हैं, पाकिस्तान में पहले उम्मीदवार डिसेबल सामने आए हैं और इनका कहना है कि मैं बेहतर तरीके से आवाम की जो है वो तर्जमानी कर सकता हूं, आवाम के मसाइल हल कर सकता हूं। और ये कलर क्या? अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो किस तरह से ये इलेक्शन तो लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, किस तरह से वसाइल आपके पास तो नहीं है तो किस तरह मैनेज करें? जी इंशाल्लाह हो जाएंगे। गरीब अवाम तो गरीब गरीबों जाकर वोट देना, अमीरों तो उन्हें वोट देना ही कोई नहीं। जी कंपेन जा रही है इंशाल्लाह। आपने तो बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनको चैलेंज कर दिया है, जो बड़े सियासतदान हैं। आप मुझे बताएं कि आवाम तो कहती है कि हमें तरक्की चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से ये सब कुछ मैनेज करेंगे? आप तो क्लर्क हैं जी। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह काम इंशाल्लाह हम ज़रूर काम करवाएंगे। अगर कामयाब होंगे तो हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के साथ ही रहेंगे कामयाब होंगे तो। यहाँ आप देख सकते हैं कि हौसले बुलंद हैं, कद बेशक छोटा है लेकिन हौसले पहाड़ जैसे हैं। और जो यहाँ हम पहुँचे, हमारा मकसद था कि हम आपकी मुलाकात करवाएं वारिस से, और वारिस जो हैं वो अज़म हैं कि जीत उनकी होगी और वो कंपेन कर रहे हैं, लोगों को मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं लोगों से, रोज़ाना अपना मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी ज़िला कचहरी में और अपना काम भी जारी रखे हुए हैं। और इन्होंने अपने जो हैं वो फ्लैक्स बनवाए हैं, अपनी जो मुहिम है वो चलाई हुई है और इंतखाबी मुहिम इन्होंने अभी से चला दी है इलेक्शन से कबल ही। इनका कहना है कि मैं आज मेहनत करूंगा, मैं हलके में जाऊंगा तो आवाम को पता चलेगा कि मैं उम्मीदवार हूँ, मैं आवाम की फलाह के लिए निकला हूँ। जो सेहतमंद तमन्ना और तंदरुस्त थे लेकिन उन्होंने आवाम के लिए तरक्की और फलाह के लिए कुछ काम ना किया, जंग जैसे पसमानदा था वैसे ही है। और इनका कहना है कि ये सब कुछ आवाम के जो मसाइल हैं उनको देखते हुए इन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस दफ़ा इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लूं और मैं आवाम के मसाइल जो हैं उसको हल करने में अपना जो किरदार है वो अदा करूं। तो नाज़रीन वीडियो के हवाले से अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।